और हर हर महादेव कमेंट्स। नमस्ते हमारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अनीता जी की लाडू बिटिया में। तो फ्रेंड्स, आज है 28 जनवरी और आज सबसे स्पेशल डे है, मतलब मेरा सबसे स्पेशल डे है। तो आज मेरा है बर्थडे। तो रात के 12 बजे दीप्ति दीदी लोग सब लोग आई थी, उन्होंने केक वेक खूब सारा पोत दिया था, कट भी करा दिया था। तो वो वाला भी आप लोग आगे क्लिप देखिएगा और थोड़ी बहुत और भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि सब्जी लेने गई इधर उधर, तो वो भी ऐड कर दूंगी। और अभी शाम को पार्टी होगी, मतलब घर ही पे होगी, सबको इन्वाइट कर दिया। आप देखते हैं कितने लोग आते हैं और कितने लोग नहीं आते। आशा करती हूँ सारे के सारे लोग ही आएंगे। तो अभी पता है कुछ तैयारी नहीं हूँ। रात को मेरा भाई का फोन आया, मैं उसे बतियाने लगी, तो बहुत ज़्यादा रात को क्या, सुबह 4 बजे सोई हूँ और उसके बाद उठी हूँ अब 9:30 बजे। तो अब 9:30 बजे उठी, फिर मोबाइल वोबाइल में इतने मैसेज आ रहे थे, सब देखने लगी, फिर बाल वाल धुलना था। तो अब अभी मैंने ये वाले कपड़े पहन लिए, सब पूरा ना आउटफिट में बाद में दिखाऊंगी। और ये ना मतलब मैंने खुद ही स्टिच करी है, मतलब आधा मैंने आधा मम्मी ने स्टिच करी, हम दोनों ने मिलके। और अभी चलते हैं, मनकामेश्वर मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। और अभी 11:10 हो रहा है, बहुत लेट हो गया। मैंने अभी बाल वाल भी नहीं सुलझाया, ऐसे ही छोड़ दिया। दीप्ति दीदी को बुलाया है कि आ जाइएगा, मेरा थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर दीजिएगा। तो चलिए उसी में आप लोगों को फुल मेरा आउटफिट दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ मुझे बहुत सारा बर्थडे विश करिएगा। मैं चाहती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली में मुझे खूब ढेर सारा विश करें। और लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अभी मंदिर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को जो प्लेटें दिख रही है ना, ये मैं ना बहुत ढेर सारी लाई थी अपने ना बर्थडे पे रिटर्न गिफ्ट देने के लिए, और मैं ढालीगंज मेले से लेके आई थी। तो ये 30-40 पूरी प्लेटें थी, क्योंकि हमारे घर में ज्यादा लोग आने वाले थे, मतलब फिर ये ना 23 को ही मैं ले आई थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने डेकोरेशन का सामान लिया और बहुत सारा सामान लेके मैं आई 27 तारीख को। उसके बाद यहाँ पे रात को ना 12 बजे ना दादी और ईशो, दीप्ति दीदी सब लोग आ गई थी केक लेके, और यहाँ हमारे कालू पीछे से जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं केक मैंने काटा, तो ये लोग मतलब सरप्राइज दे दिए थे। मतलब मुझे एक्चुअली थोड़ा सा पहले से पता था कि ये लोग आने वाले थे, बट ना हम कुछ काम की वजह से भूल ही गए कि 12 बज रहा है, कि भैया हमारा जन्मदिन आ गया। वो भी आगे आप लोगों को मैं बताती हूँ मैं किस काम में बिजी थी। और यहाँ मम्मी हमारी कह रही थी हमारी फोटो ना खींचो और हमारा वीडियो ना बनाओ, क्योंकि ये सो रही थी, इनको उठा के लिया, कह रही हमारे कपड़े अच्छे नहीं है, हम साड़ी में नहीं दिख रहे, वही सब बता रही थी। और यहाँ दादी ने मेरे ना केक लगा दिया, और फिर उसके बाद ईशु ने केक खिलाया, और इन सब लोगों ने मेरा केक का फेशियल कर दिया था। मैं फेशियल कर नहीं पाई थी, तो इन लोगों ने मेरा खूब राती को केक का फेशियल इतना मस्त कर दिया कि अगले दिन मैं ग्लो कर रही थी। इनको ना किसी और के ऊपर भरोसा नहीं था, भैया ये खुद ही सेल्फी इन्होंने ले लिया केक खिलाते हुए, और इन्होंने भी खूब सारा में केक लगा दिया, मतलब पूरा फेशियल मेरा हो गया था। उसके बाद इन सबको केक वेक खिलाने के बाद ये लोग चले गए। तो फ्रेंड्स, आज हमारा बर्थडे और हमारा ना दादी लोग आने वाले। पहले मुझे ये पता था कि हाँ वो लोग 12 बजे आएंगे ये लोग, बट फिर मैं ना भूल गई बिल्कुल। और भूल मैं इसलिए गई कि मैं अपने दही बड़े और रसगुल्ले मेरे नहीं बन रहे थे, उसके टेंशन में ना मैं भूल गई, और इतने सारे मैं ना बना ली। इसको मैं थोड़ा गर्म कर रही हूँ ना, तो देख रही हूँ ऑन है कि नहीं। तो मेरे रसगुल्ले जैसे तैसे बन गए हैं, और जो मेरे दोस्त लोग यार खा लेना यार, अच्छे रसगुल्ले नहीं बना पाई हूँ, कभी कभी हो जाता है यार, दूसरी बार बना रही थी नहीं बन पाया। तो यहाँ पे मतलब अभी रसगुल्ले रखे हैं, और अभी आप लोग दिखाते कैसे बने, और थोड़ी आप लोग ना कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा रसगुल्ले कैसे बनते हैं। थोड़ा सा अगर आसपास रहते ना तो मुझे सिखा भी देना, मुझे रसगुल्ले खाना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम आपको सुबह मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ना, मुझे दही बड़े और रसगुल्ले बनाने थे रात को, मतलब 27 तारीख को, जिससे मैंने सोचा था मेरा काम थोड़ा सा हल्का हो जाए। तो फ्रेंड्स, मेरे रसगुल्ले बन ही नहीं रहे थे, मैं इतना परेशान हो गई, टूटे फूटे काले पीले जैसे भी बने मैंने बना के रख लिए। और हमारे गाँव ना मतलब अगल बगल सबको जोड़ जाड़ के सबका 50 से 60 लोगों का खाना बनना था, आधे लोग मतलब 20-25 लोग तो आए ही नहीं थे हमारे बर्थडे पे। और उसके बाद अभी मैं आगे सब बताती हूँ। फिर यहाँ मैं सुबह सुबह मतलब बतियाती रही अपने भाई से, तो देर में उठी मैं, और फिर उसके बाद यहाँ मैं मंदिर गई, मनकामेश्वर मंदिर, बम बम भोले का दर्शन कर लिया आप लोगों ने, और हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और ये मेरा ना बर्थडे 28 जनवरी को होता है, तो 26 तारीख को यहाँ पर ना ये देखिए फूलों से तिरंगा बनाया गया था, कितना सुंदर, और श्रृंगार भी यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ था। मनकामेश्वर मंदिर के पेज में आप लोग देखिएगा जाके, यहाँ पर मैंने अच्छे से पूजा पाठ करी। उसके बाद यहाँ पे मैंने दिया जलाया, और दीप्ति दीदी मतलब
आ गई थी दीप्ति दीदी ना अपना पूजा कर रही थी पहले, तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया भी जलाया और वो भी उन्होंने भी अपनी पूजा वूजा करी, फिर हम लोगों ने पूजा वूजा करी और इवन देखिए मैंने बाल धुले तो मैंने बाल भी नहीं सुलझाया, मेरे पास टाइम ही नहीं था। उसके बाद मेरा घर वर सब बहुत फैला हुआ था, दही बड़े हमारे बने नहीं थे, जैसी घर पे आए वैसे मैंने दही बड़े बनाए, सब्जी बनाई, आलू की सब्जी मम्मी और मामी ने मिलके बनाई, और उसके बाद ये सब डेकोरेशन तो दीप्ति दीदी, ईशु, विभू, रवि इन चारों लोगों ने मिलके किया। मेरा डेकोरेशन का कोई डिपार्टमेंट नहीं था, बट मेरा घर ऊपर से लेके नीचे तक इतना बड़ा है और इतना मतलब गंदा था, इतना फैला था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करने वाली थी, बट ये लोग माने नहीं। फिर मुझे ना 28 तारीख को मैं काम वाली बाई पूरा बनी रही, लग ही नहीं रहा था कि जन्मदिन था, बस हाँ लोग आ गए, गेट टुगेदर हो गया ये कह सकते हैं, बट इन्होंने डेकोरेशन एवन करी। अगर आप लोगों को भी ना ऐसा डेकोरेशन चाहिए हो तो हमें कमेंट्स करके बताइएगा, हम लोग इनको ना बुकिंग आप बुकिंग पे हायर कर लेंगे और इनका भी डेकोरेशन आपका बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसा मेरा हुआ है, और थोड़ा बहुत हम लोगों को चार्ज दे दीजिएगा, हम लोग खुश हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई आया नहीं था, अभी बहुत लोग आना बाकी था, तो हम सब लोग यहाँ नाचने लगे, तो अभी पूरा डांस आप लोग आगे देखिए, टूटा फूटा सही बट हम लोग नाच लिए, और कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा ये सब लोग कौन है, मेरी दोस्तों के नाम बहुत सारे लोग जानते होंगे इसमें। खाना खा रहे हैं। चावल नहीं बेटा, आपको चावल नहीं है? ज्यादा खाना मोटी होना है, दिखाएंगे वो कैसे की साथ जो रहती है। सेम ये वही है, बिल्कुल इतनी लंबाई, देखना पीछे इतनी चौड़ाई, बिल्कुल सेम। तो हेलो गाइस, भंडारा चल रहा है यहाँ पे, पार्टी वार्टी चल रही है। कैसा लग रहा है मैम, बताइए भंडारा आपको कैसा लग रहा है बताइए, थोड़ा पॉइंट दीजिए कुछ। बता दे, वो वाला भंडारा है ये बर्थडे वाला भंडारा है गाइस। आंटी बताइए कैसा लग रहा है। यहाँ मेरी फ्रेंड है, ये देखिए फोन आ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मम्मी दादी ने भी डांस किया, उसके बाद वहाँ बाबा आ गए थे, यहाँ पे फिर सबने डांस करना बंद कर दिया था। और एक्चुअली में पता है बहुत सारे लोग नहीं आए थे, हमारी मामी मामा नहीं आए थे, तो हमने सोचा मेरी मामी मामा जाए तब के काटे, तो जितने लोग थे ना तो हमने ना सब लोगों को खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया, तो आपने इसीलिए पीछे बहुत लोगों को खाना खाते हुए देखा होगा क्योंकि हमने पहले ही खाना खिला दिया था, केक बाद में कटे जब हमारे घर में सब लोग आ गए, मतलब पूरी फैमिली मेरी आ गई, जितने लोगों को आना था सब आ गए, उसके बाद मैंने केक कटवाया था, और जिनको मुझे पता था देर होगी उनको मैंने पहले ही खाना खिला दिया था। फिर यहाँ पे हमारी दादी, मतलब ये हमारी, हमको हम दादी बोलते हैं बट मेरी रिलेटिव में दादी नहीं लगती, ये हमारी मामी है जो ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई है, ये हमारी मतलब सगी मामी, सबसे छोटी मामी, इनको फोटो क्लिक कराना पसंद नहीं है तो इसलिए जल्दी से आके भाग गई। फिर हमारी एक और मामी थी, वो बगल वाली मामी, उन्होंने मेरा बहुत खाना बनाने में हेल्प किया, बहुत अच्छी वाली मामी भी। और उसके बाद ये हमारी मम्मी को तो आप जानते ही हैं, ऑल ओवर मेरी मम्मी ने यहाँ लगाई, यहाँ पे हम सबको बुला रहे थे आइए आइए टीका लगाइए, सबको देख रहे थे
इतनी भीड़ हो जा गई थी ना, तो सब देख रहे थे कि हमारी फ्रेंड है, उसकी मम्मी है, ये भी मेरी आंटी लगती है, ये भाभी, मतलब जो दादी है ना उनकी बहू है ये बीच वाली। और उसके बाद बड़ी वाली भाभी आई नहीं थी, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो ये भाभी ने भी बहुत काम किया। ये वाले बाबा आ गए थे तो किसी ने डांस नहीं किया। और ये भी मतलब मेरे मोहल्ले में ही रहते हैं, पंडित जी हैं, तो मैंने इनको भी बुला लिया था। सब ये सब मेरे घर के ही लोग थे, मेरे दोस्त लोग बहुत कम थे। फिर दादी ने टीका लगा दिया, मैं यहाँ कह रही हूँ जीजा जीजा आओ टीका लगा दो, तो कह रहे मैं नहीं लगाऊंगा मैं नहीं लगाऊंगा। दीदी कह रही मुझसे टीका कहाँ लगवाओगी, तुम तो पहले जीजा से लगाओगी। तो यही सब मस्ती मजाक हो रहा था। फिर यहाँ मैंने दीदी लगाई, ये पता आशीर्वाद क्या दे रही, जल्दी शादी हो जाओ। तुमने नहीं भैया शादी ना हो, पहले नौकरी कर ले, चाकरी कर ले, उसके बाद शादी, जब अपने पैरों पे खड़े रहेंगे ना तब ज्यादा सही लगेगा। सबकी अपनी अपनी चीज होती है। ये हमारे छोटे वाले मामा, जो हमारी मामी गई ना, तो वही वाले उनके मतलब हस्बैंड है, मतलब हमारे मामा है और मामी आए थे हमारे बर्थडे पे बहुत सालों के बाद, तो सबका आशीर्वाद लिया, टीका लगाया, माला पहन लिया। तो यहाँ हमारी ये प्यारा सा केक है, तो कमेंट्स करके बताइएगा कैसा है, और यहाँ मैं कैसी लग रही ये भी कमेंट्स करके बताइएगा। हमारी दोस्तों ने ना हमारे बाल वाल स्ट्रेट कर दिए थे, कर्ल्स कर दिए थे, और यहाँ पे मैंने क्राउन पहन लिया, तो बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लग रही हूँ कि नहीं लग रही, कमेंट्स करिए। यहाँ देखिए पूरी बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, ये लोगों ने ना ठीक से, मतलब मैंने वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया, मैं इतना ज्यादा बिजी थी ना, तो इन्हीं सब लोगों ने जो भी कर दिया ना, तो इसलिए मैंने फिर कहा कि लो अपलोड कर देते हैं ना, मेमोरीज रहती है ना अपनी, डालूंगी अपने चैनल पे, और मिनी व्लॉग्स आपने देखा होगा, बट मैंने सोचा डाल ही देते। तो यहाँ पर देखिए मैंने केक वेक कट किया, उसके बाद मम्मी को खिला रहे, तो मम्मी पहले नहीं खा रही थी, फिर खा ली, दादी देखो हाथ पकड़ी, क्योंकि ये हाथ में ना तुरंत ले लेती है। फिर उसके बाद दादी दादी और मामी अम्मी सबको खिलाया, थोड़ा ना यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, लाइट का रिफ्लेक्ट पड़ रहा था, थोड़ा लाइट इश्यू हो गया अब घर में, मतलब थोड़ी हो जाती ना चीजें लाइट का प्रॉब्लम। तो फिर इन सबको मैंने सबको खिलाया, मामी को, बगल वाली मामी को खिलाया, मेरी दोस्तें वोस्ते सब पीछे खड़ी हुई हैं, और फिर यहाँ पे दादी हमको खिला रही हैं, और यहीं से सब सबको बुला रही थी ना, इधर उधर देख दा के आइए आइए आइए। ये हमारी प्यारी लाडली दोस्त आ गई शिवांगी, तो इन्होंने खूब सारा केक लगा दिया, इनको मैंने खिलाया, और दादी की तो ये ना बिल्कुल फेवरेट है, तो दादी को भी इन्होंने केक वेक, दादी ने इनको केक वेक लगा दिया, उसके बाद सबको प्रणाम प्रणाम करी थी। उसके बाद यहाँ हमारे जीजा आ गए, दीदी आ गई, बहुत मतलब सालों के बाद जीजा हमारे यहाँ पहली बार है, मतलब अब तक दो साल शादी के हो गए, तो उसके बाद ना पहली बार ही आए थे, तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी वो मेरे बर्थडे पे आए, और उनकी जो भी मनोकामना है ना जल्दी जल्दी पूरी हो जाए, मैं यही आशा करती हूँ। और यहाँ पे मैंने जीजा को केक खिलाया, और उसके बाद ना यहाँ दीदी को खिलाया, मामी को खिलाया मैंने, तो ये सब मेरी पूरी फैमिली मेंबर हैं, तो सब लोग मुझे गिफ्ट विफ्ट दे रहे थे, तो मैं कोने कोने में रख रही थी और देख रही थी ना। ये मेरी फ्रेंड दिव्या है, तो ये भी बहुत अच्छी, मतलब दिव्या और आंटी ना बहुत अच्छी, मतलब हर चीज में इनको बुलाओ, ये लोग हर मोमेंट में मतलब सामने खड़ी रहती है, मतलब जो जो आप, मैं तो मेरी दोस्त है, जैसे ये मेरी वंदिता फ्रेंड है, ये राहुल है, ये भी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो मतलब मेरे कुछ लोग, मतलब दोस्त लोग ऐसे हैं कि उनको कभी भी बुलाओ ना तो टाइम नहीं भी होता है ना, तो टाइम निकाल के आते, जैसे मैं सबके बर्थडे में जाती हूँ, टाइम नहीं भी होता है ना तो भी मैं निकाल के जाती हूँ, वैसे ये लोग हैं। मैं सोचती हूँ कि चलो यार चलते हैं मिल लेते हैं, फिर ऐसे कहाँ ही मिल पाते हैं, बट ना हर कोई मेरे बर्थडे पे ये चीजें नहीं सोचता है, और जब उनके बर्थडे पे ना जाओ तो लड़ने लगती हैं, पर मेरे बर्थडे पे ना आओगी तो फिर मैं नहीं लड़ूंगी, बट जब मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद ये हमारा विभू था, इसने मुझे गिफ्ट दिया और मैंने इसको केक खिलाया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये एक मतलब इशू आई है, इशू ने तो रात को खूब केक लगाया। उसके बाद विभू मतलब सो रहा था, तो विभू नहीं आ पाया था, मतलब मेरे घर के थोड़े से चार पांच छह घर छोड़ के लोगों का घर है, तो इनके घर हम लोग जाते आते रहते हैं, बट नजर ना लगे हम लोगों की कभी ये वाली फैमिली को, हमेशा ऐसे ही, मतलब मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, बट इन सब के रहते हुए मेरे पास बहुत फैमिली है। ये यहाँ पे हमारा छोटा सा बाबू, मतलब इनके यहाँ किराए पे रहते हैं, बट किराएदार कम, हम लोगों के फैमिली मेंबर ज्यादा हैं, तो भाभी भैया नहीं आए थे, भाभी हमारी थी नहीं, तो इन्हीं के बच्चे ही आए थे, तो मैंने सबको बुलाया था, और इनको देखो कहा जा रहा था केक लगा दो, तो इन्होंने केक ठीक से लगाया नहीं, उसका इन्होंने खुद ही मुंह में रख लिया। ये मेरी फ्रेंड मधु है, ये भी मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, वो BSc की फ्रेंड है, ये नीला में, ये भी बहुत प्यारी है, मतलब ये सब लोग ना हर वक्त मेरा साथ देते हैं, ये मैं कह सकती हूँ। तो इन सब के साथ फोटो सेल्फी ये सब हो रहा था, और बेचारी मतलब इतना टाइम वाइम मैं इन लोगों को ज्यादा नहीं दे पाई यार, उसके लिए सॉरी जिनको मैं टाइम कम दे पाई, क्योंकि
फिर उसके बाद यहाँ देखिए भाभी को हमने केक खिलाया, भाभी ने भी बहुत सारा काम किया। फिर मैं सबको ढूंढ रही थी कि कौन कौन बचा है। फिर यहाँ हमारी बहन, दोस्त और मौसी सब कुछ है, ये बगल में रहती है, इसलिए आ गई। इसको मैंने केक खिलाया और इसकी मैंने सिस्टर को और जीजा दोनों को बुलाया था, बट वो एक्चुअली में संडे को नहीं, मतलब होता है ना कि अच्छे दिन पे ही आएंगे ना, पहली बार घर में आते ना किसी के भी, तो उसके चक्कर में ना ये आई नहीं पाई। मतलब आपको ना मेरे घर में कथा भी हुई है, उसका भी व्लॉग आपको 2-3 दिन के बाद मिलेगा। और इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, ये कौन है आप कमेंट्स करके बताइएगा। और वैसे ये है यूट्यूबर, इनका नाम है सुनीता जर्नी व्लॉग, इनका सुनीता नाम है, तो आप लोगों ने इनको देखा होगा। ये वैसे तो बहुत फेमस है, बट ये हम लोग ना यूट्यूबर सेटिस्फाई नहीं होते ना, इनकी फोटो क्लिक हुई उसके बाद भी इन्होंने कहा एक बार और क्लिक करा लेते, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है। ये मेरी फ्रेंड वंदिता है, इसे मुझे गिफ्ट देने आई थी। उसके बाद यहाँ शिवांगी ने मुझे गिफ्ट दिया, गिफ्ट के भी अभी बहुत जल्दी वीडियो आने वाले। और ये सब मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, ये सब हमारे ना जो भी, मतलब जिसने भी जो भी रिकॉर्ड कर दिया है, बस वही सारी क्लिप है। मैंने ना यहाँ कहीं बोला वाला कुछ भी नहीं। यहाँ हमारे मामा लास्ट में आए थे तो केक हमें खिला रहे थे, उसके बाद ये मम्मी और मामा ने कुछ पैसे दिए थे, दोनों लोगों ने मतलब मिलके ना हम यहाँ पे एक रिंग खरीद के लाए थे, डायमंड की रिंग है, मतलब ये डायमंड और सोना मतलब मिक्स करके है, हार्ट शेप में है। और मतलब मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को आगे व्लॉग्स में कि मुझे घर वालों ने क्या क्या मतलब गिफ्ट दिया, जिसका भी जितने जितने पैसे दिए उससे भी हमने बहुत सारा सामान खरीद लिया है, तो वो सबका भी मैं गिफ्ट दिखाऊंगी। यहाँ मुझे पायल भी मिली थी गिफ्ट में, रवि ने मुझे दी थी, तो ये भी मैं आगे आप लोगों को सब दिखाऊंगी। तो ये यहाँ पे मैं एक रील बना रही थी पायल और पहन के, सुनीता ने मेरी बहुत अच्छी रील बना दी नवाबी क्यों शिवांगी पे, हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर जल्दी से देखो, ये रील बहुत मस्त सी है। और डायमंड की जो मिला था ना वो भी बनाया। तो फ्रेंड्स मैं ना यहाँ पे कपड़े बदल के अब बैठ गई हूँ और सब लोग चले गए हैं, सब खा पी के अच्छे से जब चले गए। अभी फिलहाल मैंने मुंह भी नहीं धुला है ना, घर थोड़ा सा गंदा हो गया था, गिफ्ट वेप वाला अनरैप वाला वीडियो भी बना लिया है, और फिर गिफ्ट वेप सब इधर उधर रख दिए, जहाँ जो जगह पे जिस जगह पे जो सामान रखना था वो रख दिया। और गिफ्ट भी मुझे बड़े प्यारे प्यारे से मिले थे। अभी इसके बाद आप लोग ब्लॉग देखिएगा। और यहाँ पे बहुत गंदा हो गया था ना, तो झाड़ू वाड़ू भी लगा दी और कूड़ा वूड़ा बटोर के रख लिया, पोछा भी लगा दिया, तो सब कुछ लगा लिया। आज पता है पूरे दिन भर, मतलब आज बर्थडे वाली फीलिंग थोड़ी सी कम आई, बस गिफ्ट और इतने सारे विशेज मिल गए, बस यही था सुबह से। मतलब एक्चुअली मेरी तबीयत एक्चुअली में ठीक नहीं थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था 23 तारीख को एक दिन आलमबाग में, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने की वजह से मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा था, तो वो पेन की वजह से मैं बर्थडे नहीं मनाने वाली थी इस बार, तो मैंने मना कर दिया। बट दादी दीदी कुछ बहुत सारे लोग संडे को आ सकते थे, फिर मैंने कहा अपने दोस्तों को भी बुलाते, तो बगल वाली मामी, दादी, दीप्ति, सब लोग तो मेरे सब फैमिली मेंबर हैं। ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे मुझे प्यार करते रहिए, ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए।